श्री निजानंद स्वामी बलो श्री सद्गुरु महाराज वंदो सतगुरु चरण को करो स्वप्रेम प्रणाम अशुभारण मंगल करणम धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री मैराज सुना ते कुमारी श्यामाई पल पल करूं प्रणाम पल पल श्री महामति कहे ए मोमिनो ये सातवें पहर की बीतक अब कहूं पहरा आठवां ताकि सुनो सिवत ताकि सुनो सिवत। अब जो वाणी क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या लाभ है, ये आठवें प्रकरण की पहली स्टार्टिंग में छुपी आती है। अब कहूं पहर आठवां श्री राज पौड़े पलंग पर बानी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर प्राणों के धर आत्म संबंधी वाला शंदोसार जी। अब इस आठवें पहर में आप अक्षरी राज्य महाराज वैधाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री बंगला जी में विराजमान हैं और सब मोमिन बैठे चर्चा प्रातः 3 से 6 बजे भी हो गया। आठवां पहर मॉर्निंग 3 बजे से 6 बजे होता है और सातवें पहर तक चर्चा बराबर चलती ही चलती है। 6-6 क्लास 3-3 क्लास से कम तो कभी रात को चर्चा होती ही नहीं थी। 4-4.5 कभी 6 क्लास भी बीत जाते थे। अब उस बंगला जी में मोमिन किस तरह से वाणी का दर्द लेके लगे हुए वारी वाले गावत। जैसे ही स्वामी जी पलंग पर गए 3 बजे उठ के तो अपने धनी को रिझाने के लिए तुरंत वारी वाले 14 वारी वाले बने हुए थे। 14 मतलब ग्रुप थे जो समय समय पर वाणी गाकर स्वामी जी को रिझाया करते थे। फिरती चौकी पर अपनी अपनी वारी से जिनकी आवे सो गावे ही रसना मीठी कर। कौन सी वाणी गाते हैं? अपने वही कोई भजन भी सुंदर सा बनाता था या गजल बनाता था तो केवल वही शब्द जो वाणी में चर्चा सुनी और तुरंत उसको अपने भाव में प्रकट किया। वाणी धाम धनी की ए 14 तबक हयात। ये वाणी जो परम धाम की है इससे सारे संसार को सबसे बड़ा जो है प्रॉफिट नफा क्या मिलने वाला है कि आज दिन तक सुंदर सा जी करोड़ों बार जब से अक्षर है तभी से ये ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं क्योंकि उनके हुक्म से चलते हैं, उनकी प्रकृति से चलते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा माया आद अनादि से, जब से अक्षर में उनका काम ही है हुक्म दे के ब्रह्मांड बनाना। करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बने बन के मिट गए पर कोई अखंड नहीं हुआ इस वाणी की बरकत। ये वाणी यदि संसार में निज बुद्ध की न आती तो नहीं होना था। मासोलों के विराज जी महाराज आ गए तो ब्रह्मांड अखंड हो जाता। ब्रिज में आए थे क्यों नहीं ब्रह्मांड अखंड दिए? विराज जी आए थे ना, नहीं आए तो क्या चीज नहीं थी ये वाणी नहीं थी। इतना इस वाणी का उतर आना क्यों? इस वाणी में क्या आ गया? कुल परम धाम आ गया। शब्दातीत आए शब्द, उनकी कुल लीला आ गई, कुल परम धाम आ गया, 25 पक्ष आ गए, अक्षर के भेद खुल गए, राज्य की वाहिदत खिलवत हकीकत और मार्ग। इसलिए ये वाणी जो है इसके आ जाने से इसकी शक्ति से जो है सारा ब्रह्मांड भी अखंड होगा। पहचान भई न काहू को। स्वामी जी कहते हैं इतने साल से, क्योंकि 100 साल से तो ऊपर हो ही गए स्वामी, पहले सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के तन में और फिर स्वामी जी के उससे, लेकिन थोड़ा ऊंचा सुन रखो। पहचान भई ना काहू को,
स्वामी जी कहते हैं और भी लोग बैठ के, जीव सृष्टि भी 3000 थी, ईश्वरी सृष्टि भी 1500 थी, ब्रह्म सृष्टि फकत 500 थी। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पहचान भाई ना काहू को। बाकी जो लोग जीव और आम आते थे, जहां 9 बजे प्रसाद मिला घरों को भाग के, स्वामी जी कहते कोई इस वाणी को कौन पहचानेगा। भले आप रेडियो पे रोज बजाओ, सबको पंपलेट्स बांट दो, किताबें दे दो और भी लिटरेचर दे दो, पर इससे किसी को पहचान पढ़ने से नहीं होने वाली। क्योंकि पढ़ने से अगर पहचान होनी होती तो गीता में, भागवत में, वेदों में, अक्षातीत उत्तम पुरुष तो लिखा ही है, तो फिर आज दिन तक क्यों नहीं किसी ने इसको पहचाना। रूप ये हयाते हो जा, जो परम धाम की आत्मा है वो वाणी को यदि पढ़े तो उस समय क्या होगा, बस मचल उठेगी एकदम कि रू जो है इस मिथ्या माया को छोड़कर अपने राजीव राज के चरणों में जो लगेगी, भले किसी भी तन में साक्षात भी राज्य महाराज आके बैठ जाए तो राज्य की शक्ल से कोई नहीं किसी के पीछे शक्लें देख करके चलता। ये वाणी सुन के जो रूहें हैं, स्वामी जी कहते हैं मेरी जो आत्माएं परम धाम की आई हुई हैं, वो माया से यदि निकलेंगी और अखंड धाम को याद करेंगी और परातम में जाएंगी तो किसके बल से, इस वाणी से। इस वाणी के बिना दुनिया में हमारा कोई नहीं है, क्योंकि इसीलिए स्वामी जी ने सिंहासन पे बिठाया कि आदमी के ऊपर वो कभी विश्वास नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं शरीर इधर का है, कमी आ सकती है, अवगुण आ सकते हैं, लेकिन वाणी इसमें तो कोई अवगुण नहीं है। ये तो सब शंसे मिटाकर, अवगुणों को हटाकर हकीकत की पहचान कराती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं पहचान भाई ना काबू को, रूपिये हयाती हो जाती है। जो आत्म है परम धाम की, वो सुन लेने के बाद तो समझ वो अखंड हो गई। अखंड क्या मतलब, संसार में रहते हुए भी दृष्टि फिर कहां लग जाएगी, क्या लेना देना, बहुत हो गया। ये किसने कराया, इस वाणी। राज्य की याद कौन दिलाता है, उस रूप की पहचान कौन कराता है, परात्म को कौन जगाते, ये वाणी से ही होने वाला है। आज लो इन इंड में कभू काहू सुनी न कान, के इस ब्रह्मांड में भी स्वामी जी कहते हैं आज दिन तक किसी ने ये वाणी सुनी नहीं, क्योंकि किसी ने आज दिन तक सुनाई ही नहीं, तो दुनिया वाले सुनते कहां से। कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू ना बोए पहचान, के करोड़ों ब्रह्मांड पहले हो गए और इसके इस ब्रह्मांड से भी बाद में जब प्रलय होगा फिर भी होते रहेंगे, पर ये वाणी किसी को नसीब ना हुई थी और ना फिर और किसी ब्रह्मांड में होगी। ये तो इसी ब्रह्मांड में, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मांड जो हुए अब ऐसे हुए न हो सका, इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई और इसमें तो पूर्ण पांचों शक्तियों की हकी सूरत की जब लीला हुई है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये वाणी किसी ने कौन सुनता, कहां से ला के देता, आई है रूहों के वास्ते। अब और ध्यान के साथ, ए वाणी ए सुनने की ताकत त्रय गुण को ना होए। स्वामी कहते हैं भले इस संसार में चर्चा हो रही है, वाणी गर्जना कर रही है, पर हुक्म के अधीन त्रय गुण बैठे वो आके साक्षात सुंदर साथ की तरह बैठ के चर्चा सुन सकते नहीं, उनकी ताकत नहीं। कहते हैं तो मोमिनों के वास्ते सिर्फ इस संसार में लाना पड़ा, क्योंकि इंद्रावती पहले दिन ही अवश्य में राज्य से लौट उठी कि धनी नहीं कहानी माया मां, तुम परम धाम के सारे राज, अपनी हकीकत, वो खिलवत के सारे भेद इस मर्दा दुनिया में खोलना चाहते हो, कुछ तो सोचो। राज्य में रह कहते क्या करूं, ब्रिज में मैं तुम्हारे साथ आया, उल्टा तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया, तुम नल्ला जो बेशरम हो, कामी हो, ये है वो, मैं ही तो था। कहते राज में आए फिर तुमने नहीं पहचान कराई, तो अगर मेरी शक्ल से ही किसी ने देख के पहचानना होता तो ब्रिज में मुझे पहचान जाते और वे रास में पहचान जाते। देखा कि मेरी मिथ्या शक्ल को देख के कोई मेरी पहचान करेगा नहीं, मेरी वाणी ही इनको पहचान कराएगी कि ये वाणी बोलने वाली शक्ति कौन है। ए सुनने की ताकत
त्रैगुण को ना होए और नाम किनके लियूं इन उपरांत सोए के। सोनी कहते हैं सुंदर साहब जी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश, अब सुनो पूछो क्यों, क्योंकि उनके पास बुद्धि कौन सी है, ये अपरा है, हेर दि प्रॉब्लम। वरना कोई संसार में अपना बुरा नहीं चाहता। इस संसार में बुद्धि कौन सी है, भ्रांति वाली, संशय वाली जो है, और इसलिए इससे ज्यादा फिर और बात किसकी कही जाए। जब त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को आज दिन तक इस ज्ञान का नहीं पता चला, क्यों? अब कोई कह सकता है वाह भाई वाह, जो हमारे आदि नयन जी के पास और त्रिदेवाओं के पास वाणी नहीं, तुम्हारे पास कहां के तुम बड़े हो गए? नहीं, हम नहीं बड़े हो गए, क्योंकि यह वाणी इस ब्रह्मांड में कभी आई नहीं कलयुग से पहले, और इसीलिए तो कलयुग की महिमा इतनी बड़ी भारी संसार के ग्रंथों में क्यों लिखी है कि जैसा 28वां कलयुग आएगा ऐसा कोई समय न गुजरा है और न फिर गुजरने वाला है। इसका कि यह परम धाम की वाणी दुनिया निराकार से आगे एक शब्द नहीं बोलती, और ये यहां से लेके क्षर, निराकार, तीन पार, के पार, भी पर, अखंड परम धाम का वर्णन जो है, ये कौन इसको कह सकता था। सोरा दुनिया तो एक बूंद नहीं ले सकती, लेकिन सोरा ससागर रेलत कोई ना धरत कान। के स्वामी जी कहते संसार में मैं खुद आकर और मेरे मोमिन जो है सागर की तरह से बाहर है, लेकिन कोई दुनिया वाले इस पर कान ही नहीं रखना चाहते। क्यों? वो कहते पता नहीं यार कहां की बातें करते, ना तो कोई देवी की बात सुनाते हैं, ना कोई हनुमान की बात सुनाते हैं, ना कोई राम की बात सुनाते हैं, ना ये कृष्ण की बात सुनाते हैं। ये तो एकदम ही वहां लग पड़ते हैं, हमारी तो वही समझ में आया नहीं। क्यों नहीं आया? उनके पास अभी परा शक्ति जागृत बुद्ध नहीं है। नहीं तो सुंदर साहब जी हिसाब लगा के कभी दिल में एकांत में बैठ के देखो, आदि ने ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि जन खोज खोज हमें क्यों मिल गया? हमने बोलो क्या तपस्या की है, क्या हम योग साधना किया, क्या कष्ट राज्य के वास्ते उठाया और कुछ किया ना? अगर हमारे तन में वो निस्वत वो आत्म ना आई होती तो कभी भी ये शब्द हमें भी सुनने को नसीब ना होते। क्यों सुन रहे हैं? बोलो क्या हमने अच्छे कर्म किए, क्या तपस्या की है, क्या कभी बैठ के शास्त्रों को खोलाओ या कभी इस चीज को खोलाओ? नहीं। ये पहचान है कि अगर हमारे अंदर राज्य की आत्म ना होती तो कभी भी हमें ये वाणी सुनने को क्या नसीब भी ना होती। सोरा ससागर अरे लता कोई ना धरत कान, एक संयोग की रूपी वही और काहो ना पहचान। आत्माएं भी क्यों बैठ के सुनती? स्वामी जी उस समय मोमिन बैठे होते हैं सारी सारी रात, 8 साल तक वो मोमिन नहीं सोए, किसी वक्त कमर सीधी की या नहीं की। क्यों? उनको पता है कि ये वाणी क्या है, उनको दर्द है कि इसके बिना अब हम परमधाम नहीं पहुंच सकते। इस वास्ते जो है वो मोमिन जो है वो बैठे जो है पी रहे हैं। क्यों? अब ध्यान के साथ इसमें क्या है, क्यों पढ़े, क्यों सुने, कैसी जिक्र होता है इस वाणी में, किसका जिक्र होता है इस वाणी के अंदर और संसार के ग्रंथों के अंदर? डिफरेंस तोड़ रहे हैं समझिए कि दुनिया के ग्रंथों के अंदर कर्म कांड है, उपासना है, और स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से आगे का ज्ञान नहीं, और इस वाणी में एकदामी क्षर से परे अक्षर और अक्षर से फिर परे अक्षरा, तीत के 25 पक्ष के बिना कोई और बात ही नहीं होती। परम धाम क्या है, क्या कोई ग्रंथ बताए? तब पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें रखा क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। स्वामी जी कहते हैं उठाओ और दुनिया के ग्रंथ उठाओ तोड़ लो, इतना ही तो सब ने कह के रख दिया कि उत्तम पुरुष है, लेकिन घटाया कहां, शरीरों में घटाए बैठे, को विष्णु को बनाए बैठे, को किसी को बनाए बैठे। क्या आज दिन तक किसी ने नए आत्मिक लेके क्या क्लैरिफिकेशन उसका किया? किसी ने नहीं। कैसी जिक्र होता है, ध्यान दो, कैसा जिक्र है, किसका जिक्र है, और किन ठौर
पहुंचत। इस वाणी से हम कहां पहुंच जाते हैं? परम धाम। ये वाणी हमको माया से हटा के, सत्य झूठ के भेद बताकर, मिथ्या और सत्य की पहचान करा करके वहां पहुंचा रही है जहां परम धाम में जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म भी पहुंचता और हम सपने के जीवड़े। ये राज्य की शक्ति है इस वाणी के अंदर के परम धाम में सतंग स्वयं पूर्ण ब्रह्म का, जिसको पूर्णदा पूर्ण देव का है, वो नहीं जानता कि रंग महल में क्या लीला होती है। और वो कहते हैं क्यों लाया? इसलिए कि जब तक मेरी आत्मा इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगी, मेरे हाथ में कोई भी वस्तु है, जब तक मुझे कोई इसके मुकाबले में सुपीरियर से सुपीरियर नहीं देगा, तो इसको मैं कैसे छोड़ूं? इसलिए कहते हैं कि संसार के लोग, भाई हर एक को अपना धर्म प्यारा है, हर एक को अपना इष्ट अच्छा लगता है, हर एक को अपना गुरु कौन किसको छोटा लगता है। पर स्वामी जी कहते हैं इस वाणी से ही तो तुलना की जाएगी, फिर दुनिया को पता चलेगा कि ओहो हमारे गुरु भी आज दिन तक निराकार से आगे नहीं ज्ञान बता सके और ग्रंथ भी नहीं बता सके और यहाँ के देवी देवता भी नहीं बता सके। क्यों? इन आल का रिजल्ट क्या मेन आता है कि सबके पास अपराशक्ति थी, मिथ्या जगत का ज्ञान था। इसलिए जो है कोई वर्णन करता तो क्या करता, कहां से करता, किस शक्ति से करता। अब ये किसकी शक्ति से आई है? किसी व्यक्ति की शक्ति से नहीं है, किसी देवी देवता ने नहीं लाया, कोई मोमन ने लाया, धनी जी लाए हैं। आप श्रीराज जी महाराज पोते यहां आकर के अपने मुखारविंद से, ये उनके मुखारविंद की वाणी है जिन्होंने आकर के जो है ये सारे भेद यहां खोले। इसलिए इसके अंदर जो है इतना भी शक बाकी नहीं रह सकता। कहते हैं हर तरह से तुलना करके मेरे मोमिन भी जो है कितने कितने बड़े सेठ और भीम भाई श्याम भट्ट वेदांत आचार्य सूरत के गद्दी के जो मालिक थे और उधर वल्लभाचार्य के आचार्य बड़े बड़े आचार्य उठ करके स्वामी जी के पीछे चल दिए और चरणों में गिर गए कि आज जिनको जो सोचते हैं और जो अहम के अंदर रहते हैं वो नहीं ले सकते कुछ भी। क्योंकि ये चीज क्या है? क्या ये किसी व्यक्ति की है या ये किसी धर्म की है या किसी व्यक्ति के उस पूजन करना? ना ना, इन सब झवेलों से परे ले जाने वाला ज्ञान उस परम धाम का है जहां तत्व सबका एक है और लीला आनंद ही आनंद की है। कैसी जिक्र होत है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होत है ए पहुंचावे कित। कि इस वाणी से अब संसारिक, क्योंकि सबसे पहले लोग संसार में अपना नफा सोचते, कई धर्म भी लोग एडॉप्ट करते हैं, यार इस धर्म में मिनिस्टर जाते हैं, इस धर्म में बड़े बड़े चेयरमैन जाते हैं, अपना क्या आपने भी मंत्र लेकर के घुस जाते हैं तो उससे चेयरमैन से परिचय हो जाएगा, मिनिस्टर से मुलाकात होगी और संसार का सीधा उल्लू हम कर लेंगे। स्वामी कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो घुसते पर यहां घुस के भी क्या ले जाएंगे, यहां घुस के कोई लेगा तो लेगा क्या, यहां तो वही घुसेगा जिसको अपनी आत्म का पेन होगा, दर्द होगा। और ये दुनिया के धंधे भी अब ध्यान के साथ, वहां तो लोग आकर के दूसरों की हेल्प से काम करते हैं, तो यहां समझी कहते हैं कि इस वाणी के लेने से जब आदमी अक्षातीत पार ब्रह्म से संबंध जोड़ ले कि वही मेरा धाम का धनी है, तो फिर जरा बुद्धि से सोचो क्या देंगे दुनिया वाले जो अक्षातीत हमें खिंड के अंदर जो है कर देगा। राजा राम और झांझर भाई, एक फैक्ट्री थी, जब उसने चाबियां समर्पित कर दी कि बस धनी माया में आके ये लड़की ली है, ये लड़का है, ये बीवी है और ये लो महाराज खजाने की चाबियां हमें तो लेके चलो, तब समझने क्या क्या ला भाई दे दी। अब हम हुक्म देते हैं, वाणी को याद रखना और कारखाने चला, घर परिवार को निभा, लेकिन बाकी सब का सब सुंदर साथ की सेवा के लिए भेजना। ठीक है धनी आपका हुक्म है तो हम हैं, धनी हुक्म दे रहे हैं
तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा सारे हुँ? तब ऐसा 15 साल तक 5,000 सुंदर साथ की सेवा, कुल खाली रोटी नहीं, कपड़ा, जो व्यवहार जरूरियात जीवन की, एवरीथिंग, कंबल, वस्त्र, भूषण, सब कौन बेचता था? वो राजा रामचंद्र भाई मेट के रहने वाले, जिनको हुक्म दे के कहा कि भाई संसार है, संसार में संसार का काम तो संसार से चलेगा, लेकिन वो धनी की कृपा जब हो जाती है तो क्या समझते हो कि यहाँ फिर दुख रहने वाले हैं? अगर यहाँ संसार के देवी देवताओं की जरा सा कृपा हो जाती है और आशीर्वाद मिल जाता है, तथास्तु कर देते हैं। और जिन मोमनों को चरणों में अक्षरातीत ले लेते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं वो ये कभी ना सोचे कि हम संसार में दुखी हो जाएंगे या फिर हमें किसी प्रकार का कष्ट होगा। ए मेहर किन करी, ए हुई किन ऊपर, कितना देखो लुत्फ लेने वाली वाणी है। ए मेहर किन करी, पहले तो सोचो किसने करी है और हुई किन ऊपर। अगर राज्य महाराज ये मेहर तो अक्षातीत की है और हुई किन के वास्ते, आत्माओं के लिए। अगर यदि हमारे अंदर आज आत्म न होती, अब मुख से बोलो क्या ये नसीब हमें होता? ये है स्वामी जी कहते हैं चारों तरफ से ठोक बजा के फिर निर्णय लो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये ज्ञान का पता जाओ और जाते क्यों नहीं, सारी दुनिया में घूमते हो, लाके दो एक शब्द भी पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसके धाम के कितने पक्ष हैं, ये वाणी बताएगी कि पक्ष का मतलब क्या होता है। कई सुंदर साहब पक्ष भी नहीं जानते, जैसे एक इंडिया मुल्क है ना, उसमें एक बॉम्बे है, एक कलकत्ता है, एक दिल्ली है, इस तरह से परम धाम में 25 ठिकाने हैं। धाम तालाब, कुंज वन सोहे, मानक नहरे, बानकी जोए, पश्चिम चौगान, बड़ो वन कहिए, एम पोखराज, जमुना जी दिए, ये 9 बनते हैं। 8 सागर, 8 जमी, 25 पक्ष हैं। अब आप घबराएंगे जी ये क्या है, हमें तो जानते नहीं, इसीलिए तो जून में बुला रहा हूं। ये वहां 25 पक्ष ही आपको घुमाएंगे कि ये कहाँ है, वहां फिर किस किस दिन राज्य में राज जाते हैं और क्या क्या लीला होती है, ये सब उस चितवन के अंदर। क्योंकि स्वामी जी 12 से 3 बजे के पीरियड में केवल परम धाम के रस के बिना और कोई चर्चा नहीं सुनाते थे। अब ध्यान के साथ, किन बरकते आई इत कोई पावे ना पटंतर। एक तो भेजी किसने, मेहर करी किसने, मेहर हुई किन के ऊपर, और फिर किसकी कृपा से यहां तक पहुंचा। स्वामी जी कहते हैं इतना भेद भी दुनिया इस वाणी सुन के नहीं पहचान सकते हो। कहते और कुछ भी ना करो, इतना ही भेद जिसको पता चल जाएगा, जो पावे ए पटंतर, इसकी रियलिटी को कोई जान जाएगा, ताकि पालना वृथा जाए। किसने भेजा? अक्षरातीत ने भेजा। किसके वास्ते आई? ब्रह्म सृष्टि के लिए आई। लेके कौन आया? श्यामा मर। कहते ये 3 चीजों आप पकड़ लो तो ठीक है, कि यदि मैं राज्य महाराज की अंगना ना होती, मेरे अंदर परम धाम की आत्मा ना होती, तो कभी भी ये वाणी मिलती ना। और लाने वाला भी कौन है? श्री राज्य महाराज। और किन के अंदर बैठ के कहलवा रहे हैं? जो हमारे सुभान है, जिनके हम अंग हैं श्यामा। अब समझी कहते इतना ही जिसको ज्ञान हो जाए कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, मेरे धनी अक्षातीत हैं, श्यामा जी के हम अंग हैं, तो बोलो क्या उसका जीवन का एक पल भी वृथा जाएगा? यदि इतना ही भाव अपने हृदय में रखता है कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा, बस ठीक है, और करना क्या है? कहते इतना भी जिसके हृदय में भेद का पता चल जाता है, तो बोलो मिथ्या जगत से हट गए कि नहीं, बोलो यहां से हटके राज्य के चरणों में ध्यान लग गया कि नहीं लग गया। तब तक बस विश्वास है, जितने दिन राज्य रखेंगे ओके, उसके बाद सोता कहां रहेगी, चिंतन कहां रहेगा परम धाम का।
सो इन रस में झीलते। अब जिसको इसका भेद पता चल जाएगा तो वो किस में झीलेगा 24 घंटे, नहाना मतलब रमेगा, इसी के अंदर गोते लगाएगा, वो ब्रह्म सृष्टि। फिर संसार के नावल पढ़ना और ग्रंथ पढ़ना और टाइम, जितना तो संसार के काम काज के लिए ठीक है, जो फालतू में टाइम होता है उसको जो है वो मोमिन जो अर्श के रहने वाले हैं वो कभी भी व्यथा नहीं जाने देंगे, उसका पूरा पूरा जो है वो लाभ लेंगे। सो इन रस में झीलते कौन, जो परम धाम की आत्मा है वो इससे ही इस रस को, इस अखंड को यहां धरती पर बैठ के उस अर्श के अखदाना, ये अर्श का रस जो है ये पीते हैं। ताको और कछु ना सुहाए, उनको और कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं। और दुनिया वालों को एक होटल, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा 6-6 रात को भी जो है 12 जाके मोटल देखने, उनको दुनिया की माया के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। और जो मोमिन है उनको वाणी के बिना और कुछ फर्क इतना हो जाता है इस वाणी से, क्योंकि सत्य और असत्य का, झूठ और मिथ्या जो है इसका और अखंड का पता चलने के बाद कौन आदमी है। किसी के आदमी मानो काले पत्थर है और वो समझ बैठा है यही है। अब जब पहचान हो जाए, अरे बाबा ये काले पत्थर है, ये डायमंड है, कितनी देर रखेगा उस काले पत्थरों को, अरे यार भूलो भैया हमने समझा यही डायमंड था। तो दुनिया का दोष नहीं, ये मत सोचो कि भी कोई अपना भला नहीं, एवरीवन अकल रखता है, समझता है, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं था तो स्वामी कहते सुंदर सात आत्माएं भी जो जगी तो किससे जगी, इस वाणी से ही तो जगी, नहीं तो शक्ल देख के थोड़ा कोई एक दूसरे की वो पहचान जाता है। इसलिए जो है अब वो मोमिन जो है जहां वाणी होगी वो क्यों भाग भाग के आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। ए बैठत ढिग आए के, स्वामी जी कहते हैं जब भी हम चर्चा सुनानी शुरू करते हैं मोमिन भाग के आ जाते हैं और ईश्वरी पीठ चुड़ाती है और जीव सो ही जाते हैं। तीनों की स्टेज है जुदा जुदा, और जो मोमिन आशक है जैसे भागेंगे, जरा चर्चा की बात शुरू हुई पड़ाक से आ गए, अरे भैया पहले चले गए, एक चौपाई भी निकल गए तो लिंक कहां से पकड़ेंगे, वो आकर के पहले ढिगने जीक बैठ जाते हैं। ए बैठते ढिग आए के, और फिर धरे सुनने को कान, एकाग्र चित्त होके बैठते हैं कि कोई ऐसा भेद स्वामी जी आज नया मैं बता दें, अगर इधर उधर ध्यान किया तो फिर बात निकल जाएगी। हो तो ध्यान के साथ स्वामी कहते हैं इतना सुनने से फिर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होती तब तक आदमी कभी भी किसी पर यकीन करता नहीं, और जब तक यकीन नहीं है फिर आगे लाभ नहीं मिलेगा। तो स्वामी कहते हैं इस वाणी के होने से होता क्या है, होत पहचान रूह की, सबसे पहले इस वाणी के सुनने से पहले क्या पहचान होती है कि डेफिनेट मेरे अंदर आत्मा है, यदि ना होती तो ये मुझे कभी ना मिलता, अब मिला है तो दर्द भी जागृत होता है, भाई सारे काम बाद में और चर्चा सुनी। इस वास्ते जो है मोमिन भी चर्चा क्यों सुनते, क्योंकि उनको आत्मा की पहचान इस वाणी से हो गई है, इसलिए वो एक पल के लिए भी वाणी से जुदा नहीं होते। बढ़त जात ईमान, फिर जैसे जैसे वाणी सुनते हैं और तैसे तैसे ही ईमान यकीन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे यकीन बढ़ता जाता है तैसे तैसे वो राज्जी के नजदीक होता जाता है। इस वाणी की ये कृपा है, सीढ़ी बसीढ़ी अब टोलते चलिए और तरह से समझ लेंगे। ए वाणी इन धाम की ले बिठावत निज धाम, ये समझी कहते हैं सुंदर साहब जी ये वो ज्ञान परम धाम का है, इसको मगज में ले लेने से आप यहां पर बैठे ही घूमते रहे के 25 पक्ष किस तरह से नौ भूमि दसवीं कैसी है, नौ भूमि में क्या है, पहली भूमि में कैसे मूल मिला हुआ है, सुनते ही है ना, जब इसकी समझ आ जाएगी कि इस तरह से अक्षर के धाम से आगे सीधा केल का पुल है, जमुना जी के ऊपर केल का ब्रिज है, पुल है, उससे पार करके लेफ्ट साइड को दक्षिण की तरफ चलना है, पाठ घाट आ जाएगा।
उस घाट में फिर राइट टर्न लेना है, सीधा फिर नहीं कहीं घूमना, वो सीधा पश्चिम चांदनी चौक में जो फ्रंट एरिया है परमधाम का वहां पहुंचा देगा। जमुना हाथ है लाल वृक्ष है और बाएं हाथ हरा है। अब शायद लाल और हरे का भी नहीं पता होगा, सारे सुनते रहते, व्हाट डू यू मीन माई रेड एंड ग्रीन, इसका क्या अर्थ है कि दाएं हाथ वाला जो वृक्ष है वो कैरी का है और बाएं हाथ वाला अशोक का है। क्योंकि शुभ काम जब होता है इधर तो कौन से पत्ते बांधते हो, आम और अशोक के ही पत्ते बांध। क्यों? परमधाम में शुभ गेट पर ये है लाल दरख्त और हरा दरख्त, वहां छोड़ दो सेंटर में सीढ़ियां। अब गिनती गिननी है भला, अपने इस घर चलना है तो गिनती की नहीं, खटखट कर चढ़ जाओ, कभी तो खत्म होगा कि सीढ़ियां सूढ़ियां सारी है परमधाम। और उसके बाद मेन जैसे ये बाहर गेट है देखो होटला बनाएंगे बाहर, इस तरह का चौक आएगा, चौक से आगे मेन गेट है एंट्रेंस कर लीजिए, उसके बाद एक गली छोड़ दो 28 स्तंभ का चौक आ जाएगा। 28 स्तंभ के चौक से आगे चार चौरस हवेली, जैसे बाहर से एक रूम है दूसरा है तीसरा है चौथा है आगे चले जाओ, तो जो पांचवा रूम है सबसे बड़ा उसको हवेली को कुछ भी कहो, अभी आईडिया के अंदर लो, वहां मूल मिलावा है, गोल हवेली है, गोल चबूतरा है, मध्य में सिंहासन है, चारों तरफ घेर करके क्योंकि चबूतरा है, 64 स्तंभ लगे हैं, कठेड़ा है, नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा है। ये अब दूसरी भूमि में क्या है, भुलुनी का मंदिर है ताड़ उसके जो है, और उसके बाद तीसरे में प्रातः से लेके शाम के 3:30 बजे तक श्री राज्य महाराज वहीं पर रहते हैं, आरोपते हैं, अक्षर को दर्शन देते हैं, श्रृंगार होता है, वहीं दोपहर को शयन करते हैं और फिर बाद में यहीं से तैयार होके बन हो जाते हैं। चौथी भूमि की खास इम्पोर्टेंस क्या है कि वहां चौथी भूमि की चौथी जो हवेली है वहां पर नृत्य होती है, और पांचवी हवेली में शयन कक्ष है, 12,000 मंदिर है, और छठी में क्या है, सुखपाल गैरेजेस है और गाड़ियां कहां ठहराओगे अपनी, यहाँ स्पेशल देखो गैरेज के लिए कितना बड़ा स्थान देना पड़ता है, तो वहां पूरी विक्रमा दो दो मंदिर की जगह पर एक एक सुखपाल है। अब वो सुखपाल जैसे ही 3:30 बजे को करना है, अब ये देखो अलार्म गेट आता है पड़क से खुल जाता है, लाइट जलानी पड़ती है, जैसे 3:30 बजे नहीं सुखपाल चल के तीसरी भूमि के छज्जे के साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और फिर एक में राज्य और श्यामा जी बैठ गए, फिर एक एक में एनी टू कोई भी सुंदर आ जाए, एक रूप है, एक लीला, एक वैद्य है, वहां सुटके बनों में जाना है, 6 घड़ी रमना खेलना, एक गली में झीलना, एक गली में श्रृंगार, फिर वापस रिटर्न पे, फिर उसके बाद पांचवी भूमि शयन कक्ष है, 6ठी में सुखपाल, 7वीं में हिंडोले झूले और 8वीं में झूले, जो 7वीं में हिंडोले आमने सामने ताली बजाते और झूलते समय, और जो 8वीं भूमि वो चारों तरफ जो आके चलते हैं तो बीच में चारों तालियां आकर के जो बजती, उधर का हिंडोला आया, इधर का आया, उधर से आया, इधर कह सके एक दूसरे के हाथ पर इधर ताली बजाते हैं फिर जाके उधर बजाते हैं, ये आनंद 8वीं भूमि का है। और 9वीं भूमि में बैठ करके वहां पर बड़े बड़े सोफे और कुर्सियां रखी हैं, वहां बैठ के सारे परमधाम की शोभा को देखते हैं, और जो आकाशी है वहां पूर्णमासी की रात्रि को श्री राज्य महाराज के साथ हम सुख आनंद लेते हैं। ये सब कहां से आया, लोग निराकार से आगे का एक शब्द नहीं कहते, जब ये सुख रूहें लेती हैं तो फिर उनको संसार क्या लगेगा, क्यों नहीं वो आकर के उसका रस लेंगे, और किस तरह से ये सब कहां से है, इन वाणी से, ए वाणी इन धाम की ले बिठावत निज धाम। अब ध्यान के साथ, सबको सुख उपजे, खाली परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उपनी, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी में और जीव में अंतर क्या है कि ब्रह्म सृष्टि को सुख, जैसे परम धाम में राजीव राय लीला करते हैं ब्रह्म सृष्टि के वास्ते वही लीला यहां भी राजीव राय करेंगे, तभी तो उनको यकीन आएगा। देवचंद जी ने क्या कहा कि हे धनी यदि आप मेरे धनी हैं तो विनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी
अभिधार अवधार हो तो हमें पता चले कि हम आपके अंदर मेरे खामद हैं और खामद आके मुझे मिल रहे हैं, और अगर अविधार होगे नहीं, दूर दूर रहोगे, तो फिर मैं कैसे जानूंगी कि आप मेरे खामद हैं। इसलिए ये मेहर जो है ये मोनु की आत्म पर है। और ईश्वरी पर क्या मेहर है कि अक्षातीत के माहौल में प्रेम शक्वर तत्व सो सुद अक्षर को नहीं थी, उनको इस वाणी से ही तो ज्ञान मिलेगा। और जीव सृष्टि को तो काबिले रहम है यार, पार करना, उनको भाव सागर से पार करके अखंड कर दें सुखदाई सबन, सबको ये वाणी जो है सुख पहुंचाएगी। सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ का, ये तो हो गया ना आत्मा का। समझे, कहते इतना ही नहीं है, जिस घर में ये वाणी होगी, जहां सवेरे ही उठते पर्दा खुलेगा और आवाहन होगा क्या, आओ जीवाला हमारे घेर तम, आओ जीवाला, इतने ही कर लेने से संसार की कोई दुख दरिद्रता है दूर होती है, गारंटी के साथ होती है। फांसी पर लगते हुए आदमी को ये वाणी उतारती है, जो रो रहे होते हैं जी हाय हमें कल उम्र कैद हो जानी है, ये वाणी के पार से जो है वो दुख दूर होते हैं। स्वामी जी कहते हैं खाली रूह के लिए कौन यहां मानेगा, क्योंकि पहले क्या है देह, और कोई भी दुख होगा जरूरत होगी, लिखे हैं इनके पास, वो चुपियों का विधिवत पारायण करके देखो, फिर देखो क्या होता है, आजमा के देखो, खाली कहने से नहीं, हथेली पे सरसों अगर ना जमाए ये वाणी तब कहना। मरते हुए सुंदर साथ ने जो है ये वाणी का, अगर जिसने विधिवत उपकरणों का जुदा जुदा, क्यों डॉक्टर के पास जाइए तो कितने बड़े लेबोरेटरी होती, तो हर एक को एक ही शीशी से थोड़ा दवाई देते हैं, इसलिए जो है सब विद का ये औषध है, खाली परमधाम की आत्मा के लिए नहीं, शारीरिक भी मानसिक भी शांति इस वाणी से मिलती है। और उसकी विधि विधि पाठ है, पहले चुबई कहां से स्टार्ट होगी, ज्यारे धनी, यदि कोई भी संसार का चलता हुआ काम बिगड़ जाता है, डेड होने लगता है, विधिवत सवेरे सूर्य ना निकलने देना, अलमा के देख ले, नहा धो के 108 बार एक ही चौपाई का पाठ कर लेना, राज्य के सामने जल रख देना, जल पी लेना, बस हो गया। और 40 दिन के अंदर देखो फिर परिवर्तन क्या होता है, फिर कोई फ्रेंड दोस्त है वो नहीं अभी सुंदर साथ बना, उस पर दया करना चाहते हो तो दो चुबियों का पाठ आप करना, जल उसको पिलाते रहना, तई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ साथ न मनोरथ पूर्ण जो हमारा धनी शीरदा, मनना मनोरथ पूर्ण की दा हमारा ने कुरा पार ने जाए श्रंदाती मारा आत्म। और उससे घोर कष्ट मौत का भी सामना करना पड़ रहा हो तो फिर बालाजी बिहारस वाले 5-6 फिकर विधिवत उठ के रोज 21 बार पढ़ो, फिर बात करो क्या है। स्वामी जी कहते हैं इससे क्या होता है, होवे पूरन मनोरथ काम, इन वाणी से होता है नजर पड़े बीच बक्का, इस वाणी के चितवन से यहीं पर बैठे बैठे ये कोई संसार का मन काल्पनिक वो नहीं है जो हिप्नोटिज्म करते हैं, और ये है वो स्वामी जी कहते हैं प्रैक्टिकल। अब आपने आजमाना है ना, आओ 4 जून से फिर आके देखो और फिर आती बार हमारे से बात करना कि वाकई जो आज आपने ना हम परम धाम जानते क्या है, इस वाणी से ही जो चित्तवनी स्वामी जी ने बिठाई है उसको विधि से आप विधिवत कराएंगे, फिर देखना कि यहां बैठे हम परम धाम में घूमते हैं कि नहीं घूमते, वो काल्पनिक है या हकीकत है, वो उसका अनुभव फिर करना, आपको बताएंगे कैसे होता है। ए रसना श्यामा जी की, और पिलावत रस रब का, अर्थात ये वाणी कहने वाले कौन है, श्यामा जी है, और इसके अंदर रस किसका है, अक्षरा तीत जो हमारे धाम के धनी है, उनका सारी लीला जो परम धाम का रस का मतलब जो परम धाम के हमारे सुख है लीलाएं हैं वो इस वाणी के द्वारा ही हमें मिले हैं। जो धाम अंदर की
जो परम धाम के अंदर की विहार की मजकूर के नौ भूम दसवीं आकाशी के अंदर श्री राज्य महाराज अक्षरा तीर्थ क्या लीला करते हैं और आत्माएं श्री राज्य के साथ क्या व्यवहार करती हैं, ये सारा इस वाणी में है। सो अक्षर को शुद्ध नहीं कहते भाई, ये तो संसार, ये अब हम कहां बैठे, माया में बैठे कि परम धाम में बैठे, तो अंदर तो जीव है ना, तो अक्षर के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और करोड़ों ब्रह्मांडों में अरबों खरबों जीव बनते हैं। तो जिस चीज का ज्ञान अक्षर को नहीं, वो बेचारे तरदेवा अधिनयन ब्रह्मा विष्णुमेश कहां से ले ज्ञान। तो जो उनके पास नहीं है और उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तो गुरुजन कहां से लेके हैं। तो जो गुरुओं को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो आगे दुनिया को कैसे बता दें। तो स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर जो अक्षर ब्रह्म को नहीं है, वो तुम्हारे जीवों के ऊपर बैठी हुई आत्माओं के कारण मुझे परम धाम के सारे दरवाजे रस हकीकत जो है वो भी खोल के बतानी पड़ी, वो सब इस वाणी में है। सो अक्षर को शुद्ध नहीं जो अंदर की जहूर है। अब ध्यान के साथ आज स्टेप बाय स्टेप नीचे, जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए। बराबर, जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सपने नजर पहुंची सोए। ज्ञान के साथ अब वो परम धाम का वो ज्ञान, वो लीला आनंद और श्री राजे महाराज अक्षरातीत के परम धाम की, जो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं और वो कहां से लाते, वो कौन ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से लाते, तो समझी कहते हैं वो सब तुम्हारे जीव जो संसार के, उनकी भी नजर अब जब बैठ के विधिवत चित्तन करेगी तो क्या देखेगी, परम धाम मूल मिलावा। और रोज वर्णन नहीं करते हो, श्रीराज श्री ठकराणी जी प्रथम में विराजमान है, श्रृंगार का वर्णन करते हो, श्यामा जी की साड़ी का वर्णन करते हो, राजी के पाक का वर्णन करते हो, अक्षर जानता ही नहीं है श्यामा जी की साड़ी कैसी। हमारे जीव यहां बैठ के रोज पढ़ते, नीली राय को चबनी है, कन चुकी है, सब कुछ है, श्रृंगार है, जरा जरा वर्णन राज्य का करते हैं, जो अक्षर को सुनने वो तुम्हारे जीवों को मिल रही है। क्यों, इसके अंदर परम धाम की आत्मा बैठे के कारण। इसलिए राज्य महाराज इतने लाड से फिदा हैं अपनी रूहों के ऊपर कि अर्श जैसे अभी खजाना इलाही का मुआसे मोमनों के, ताकि किसी तरह से इनको पहचान हो और मिथ्या माया ये छोड़े। जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सपने नजर पहुंची सोए। अब ध्यान देना, नजर नाबूद जीव की, एक जीव की औकात क्या है, बनता मिटता एक पल के अंदर, सो सपने में रल जाए, जीव जन्मता है और यहीं पर ही मर जाता है, नींद उड़े उड़ जाते, एक मिनट में प्रलय में लाख नाश हो जाते, शुद्ध न रह वेता है, उसको पता भी नहीं रहता कि मैं आया कहां से था और बना कहां हूं और मिट कहां गया हूं। ध्यान देना, तीन ना बुद्ध की नजर, कहते वो जीव जो इतना बड़ा है उसको जो है आत्म के संबंध से, वो जीव अब यहां बैठ के सब देवी देवों को छोड़कर राज्य के अंगना का भाव लेकर के परम धाम के सुख लेता है, जो अक्षर को नहीं। ए बल है इस वाणी का, अक्षर ठौर स्वरूप की इन वाणी से देखे, परम धाम देखे और अक्षर का ठिकाना देखे और सैभी की हकीकत को जाने, जहां जबरा एल रहा। अब समझी कहते जहां पर राज्य में रहकर जोश की शक्ति भी आगे नहीं चलेगी, जीव हमारा वहां पहुंच जाता है। चल सक्या ना आगे इन वाणी की बरकते, जमुना सातों घाट पहुंचे। इस वाणी की कृपा शक्ति से हम कहां पहुंचे, अक्षर से आगे जमुना जी के ऊपर केर घाट, फिर बाहर घूमते हैं तो सात घाट आता है, फिर आगे चलते हैं तो चांदनी चौक आता है, अमूल मिलावे तक पहुंचने का जरा जरा वर्णन। श्री राजीव राय का स्वरूप क्या है, कोई बताए दुनिया में पार परमात्मा का क्या स्वरूप है, एक अंग का वर्णन कोई करके बताए, श्रृंगार क्या है, क्या लीला है, कहां रहता है, धाम क्या है,
स्वामी जी के सभ्य सुहाने। चल सक्या ना आगे इन वाणी की बरकतें, जमुना सातों घाट पहुंचे आगे रसूल तखत पर। ध्यान देना कि अक्षर की आत्म भी गई लेकिन अक्षरधाम से आगे चल सकी नहीं। फिर रफ रफ का तख्ता ये निज बुद्ध ये वाणी आई तो अक्षर की आत्म भी परम धाम पहुंची। जो उलंग आगे चले देखा धाम ठौर जेठे, तब अक्षर की आत्म भी अखंड परम धाम में मूल मिलावे में पहुंची। राज्य का स्वरूप श्यामा जी का सब आत्माओं को बैठे देखा। इन जुबान के स्वर सुनते आप जो सुंदर साथ पाठ करने बैठेगा और बोल बोल के पढ़ेगा, गुंगा पाठ नहीं करेगा, उसके लिए गुंगा पाठ लेने वाले कुछ भी नहीं होगा। पाठ भी कर लोगे, पाठ भी यदि कर लोगे, ध्यान दो सुंदर साथ जी, तो कुछ लाभ उस पाठ का होने वाला नहीं। आपने घर पाठ होया और बड़ी दया करने वाले आ गए और एक घंटे में 7,000 रुपये पढ़ के चले गए, बताया था ना उस दिन, अगरबत्ती पाठ, चुटकी पाठ और जत्थेदार पाठ, नहीं समझे? आप प्रैक्टिकल बताए। अगरबत्ती पाठ क्या होता है? अगरबत्ती पाठ ली उंगली नहीं, हाथ में ये अगरबत्ती पाठ। और चुटकी पाठ, पाठ करने वाले यार एक कह रहे मैं 600 रुपये पढ़ता हूं, एक पन्ना नहीं चुटकी में जितने आ गए ए चुटकी पाठ। और भाई धामों के अंदर तो बड़े बड़े मोटे पुजारी रहते, उनकी तो ब्याज ज्यादा होता होगा, वो फिर क्या करते, राज शुरू किया नहीं, चलो यार इधर से काम गड़बड़ ना हो जाए, चलिए तो फिर क्या हुआ, ए पन्ना पढ़ा तो फिर उसके बाद दोनों हाथों से जत्था ये जत्था पाठ, वो चुटकी पाठ और वो अगरबत्ती पाठ, कुछ लाभ नहीं मिला, उल्टा पाप है, पढ़ने वालों पाप है। कोई बताता है कोई औरत के आज मैंने अपने पति के साथ कितनी मीठी मीठी बातें की, ये अपने धनी को रिझाना है। फिर किसी को ये कहने की जरूरत, मैं 600 रुपये पढ़ के आई हूं, अरे मूर्ख तो सोच तो सही, तेरी धनी की तेरी गुज बातें हैं, और किसी को बताना मैं 2 घंटे पति के पास बैठी मीठी बातें करती रही थी, कोई करके बताए या पति बताए? स्वामी जी कहते हैं इसको किताब ना सोचो, डोंट थिंक अदरवाइज ओके आई एम रीडिंग बुक। ये क्या कर रहे हैं, अपने प्राणनाथ से बात नहीं। स्वामी जी कहते हैं इस वाणी का पाठ जहां विधिवत हो, विधिवत फिर क्या होना है, मत नजर नाबोध जीव की। अच्छा ध्यान के साथ, तेन नाबोध की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठौर भी मानी जा सकता है जहां जब ध्यान सुनो, इन जुबान के स्वर सुनते जब आप वाणी को जुबान से बोलोगे और सवेरे जाते साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कह दोगे और आवाहन करोगे। हर कोई अपने अपने इष्ट का आवाहन करता है, मंदिरों में जाते तो आवाहन का अर्थ क्या होता है, आगमन के वास्ते आवाहन करता है, हे प्रभु हमारे घर आए। और हम किसका आवाहन करते हैं, आओ जी वाला हमारे के। तो स्वामी जी कहते हैं इतने शब्द सुनते ही इन जुबान के स्वर सुनते सब ठौर आवे, नजर क्षर अक्षर, अक्षर अतीत का जर अदर ठिकाना नजर आता है, रू आत्म पहुंचत ताय हो जात फजर, इस आत्म को अपना परम धाम का पर आत्म का जरा जरा फजर होना मैंने पहचान, अज्ञानता हट करके ज्ञान हो जाता है। इन वाणी के सुनते आप होत हयात, जो इस वाणी को बैठ के सुनेगा बोलेगा वो जीव भवसागर से, और देखे बैठे माया मिने ठौर बक्का हकजात, और यहाँ माया में बैठते हुए
राज्य में राज क्या है, स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, वहां वायदत क्या है, इस वाणी से पता चलता है। इन वाणी के सुनते खुलत विष्ट के द्वार, ये और रामायण के सुनते वैकुंठ मिलेगा, भागवत के सुनते वैकुंठ मिलेगा, और इस वाणी के सुनते भावसागर से ये उस अक्षातीत के मुखारविंद की वाणी है। आप देखे और दिखावे, नहीं तो लोग क्या कहते, अरे वो चीज कोई वर्णन करने जैसी है, वो फिर देख करके बताई जा ही नहीं जा सकती है। समझी कहते वो ढोंग में लेकर के नहीं आया, खुद देखो और उनको दिखाओ, तब तो दूसरों को यकीन आएगा। तुमने तो बैठ के पेट भर लिया, बाकी 10 भूखे बैठे हैं, तो वो कैसे समझेंगे भी तेरे घर रोटी है। खुद भी खा औरों को भी खिला, उन्हें भी यकीन आए कि वाकई ये क्या वस्तु है। आप देखे औरों दिखावे, विधिवत बैठ के चितवन जो करता है औरों को भी कराएगा, तो उनको भी परमधाम नजर आएगा। पहुंचे नूर द्वार पार, कहां पहुंचोगे, नूर का द्वार अक्षरधाम से भी आगे पार परमधाम पहुंचोगे। इन वाणी की बरकते कछु न रहे शक, इस वाणी, ये वाणी ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का भी संशय फिर बाकी नहीं है। रूए राजी रहे रात दिन, अब जिनको पहचान हो गई है, भाग्य नहीं सवेरे 7 बजे कितने आनंद मंगल से आया, चले चले जाएंगे जॉब में बाद में। मतलब ये वाणी इतनी रस वाली है, जब उस सनमंद का पता चल जाता है कि मेरे धाम धनी की है, तो फिर काम काज भी करते हुए गुनगुनाहट किसकी होगी, बोलो, भजनों की गुनगुनाहट होगी या वाणी की कोई बात होगी। मतलब मगन सुख आनंद सदा सुखी रहते हैं। जाए बैठे कदमों हक, संसार में रहते हुए भी वाणी गाते हुए ध्यान उधर जब आत्म करती है, तो कहां घूमते हो, राज्य के चरणों में पहुंचते हो। इन वाणी के बरकते भया जागृत सुपन्न, इन वाणी कहां चले गए थे इन वाणी के बरकते क्या हो जाएगा, भया जागृत स्वप्न, सपना भी जो है ये अखंड कर दिया जाएगा। पहचान काहू ना हुई, पहले पास आई सयन, कहते अभी संसार को मैंने देनी नहीं है, पहले सुख सयन को और पीछे सुख संसार, सबको मिलेगी। कैसे, जैसे हमारे मानो डिग्री की शादी है, तो बरात आएगी तो पूछते हैं क्यों भाई कितने मेंबर लाओगे बरात के, भाई 200 तो हो ही जाएंगे, इतना बड़ा परिवार है, शहर के मिलने वाले भी हैं, फिर 200 तो वो हो गया, और 200 तो भाई अपने सगे संबंधी भी हो जाएंगे, 400 हो गया। उसके बाद भाई नौकर हैं, चाकर हैं, गली वाले हैं और स्वीपर हैं और सब कुछ है, 600 का तो चलेगा। तो हम हलवाई को बोलते हैं भाई 600 का मटेरियल ये मीनू है तैयार कर दो, सबके लिए एक ही मीनू बनता है कि सेपरेट, एक ही। लेकिन पहले किसको खिलाओगे, स्वीपर को के बरातियों को, जिनके वास्ते आया है पहले उनको, फिर ईश्वर सृष्टि को और फिर सबको। स्वामी कहते हैं यहां वो बात ही नहीं, क्योंकि लीला अद्वैत है, एक पार ब्रह्म से, लेकिन इंपॉर्टेंस जरूर उन आत्माओं की है जिन कारण से अक्षातीत आए हैं, और जिनके कहते हैं सबको, अगर मैं सबको नहीं दूंगा तो मुझे कोई प्राणनाथ कहने वाला ही नहीं है, फिर तो मैं कम्युनिटी परमात्मा बन के रह जाऊंगा, ना ना सबको सुखी होगा। इन वाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जलाल, आगे चले या फिर वापस आ रहे हैं, इस वाणी की कृपा से अक्षर की भी नींद उड़ गई कि परम धाम में क्या है, अब उसको पता रहेगा पल पल, ओहो 5:45 बजे राजी महाराज उठ के अभी तीसरे भवन के छज्जे पर आ रहे हैं। मतलब इस वाणी की कृपा से जो अक्षर ब्रह्म को प्रोग्राम का नहीं पता होता था कि परम धाम के अंदर इस समय क्या हो रहा है, इस वाणी की कृपा से उसको भी पूरा ज्ञान आ गया। ए याद करे स्वपन को, ध्यान देना, जब हम परम धाम वापस चले जाएंगे तो अक्षर भी बैठ करके एक खेल को याद करेंगे, यार बड़ा मजेदार, मैं रोज ऐसे कच्चे पक्के बनाता रहता था, और ये राज्य का बनाया हुआ है, इसका महत्व जो है इसको डेली बैठ के अक्षर ब्रह्म भी याद करेगा। होए के दिल खुशहाल,
बड़े खुश आनंद मंगल के मूड में आके याद करे वाणी को तब उठे आठों भ्रष्ट। इस तरह से वो वाणी जब ध्यान में लेगा तो सारी आठों भ्रष्ट जो है भाव सागर ये सारा अखंड हो जाएगा। इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई किस्त, इस वाणी की कृपा से ही फिर संसार के सारे जीवों को भी ज्ञान होगा कि परम धाम है और उसमें क्या हो रहा है। इन वाणी की बरकतें मावे नाज मी आसमान। अब समझे कहते मैं इतनी कृपा मेर यहां ले आया हूं कि संसार के अंदर मेरी मेर समाई नहीं सकती है। क्यों? मेहर ठाड़ी रहे तो मेर मापी रहे, मेर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेहरे मेर मापाए। राजी कहते हैं अगर मेहर से भी मेर को कोई नापना चाहेगा तो नहीं नाप सकता, इतनी में मेहर इतने लाड इतनी दुनिया के वास्ते सब कुछ लेकर के आया। श्री धाम नौ भूम है वर्णन करें कि परम धाम क्या है, नौ भूम दसवीं कैसी है, पर इन वाणी में कहते बाकी नहीं सारा बताऊंगा। नौ भूम है तुम्हें लेना है तो पढ़ो मन। सो ठौर है अखंड वाणी ऐसी कहे से, वो अखंड परमधाम कैसा है वहां क्या है वो सब कुछ लाके मैंने वाणी में रख दिया है। हौज जोए बाघ जानवर, हौज को सर क्या है श्री जमुना जी, वहां क्या है पशु पक्षी जानवर क्या है किस नूर ते इसे बने सब कुछ वाणी में रखा है। सो इन वाणी बीच है सब सातों घाट जो पुल है, यमुना जी के ऊपर दो पुल बीच में पाट घाट और सात घाट केल लगोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट ये सब वाणी में है। वो घाट कितने कितने लंबे हैं कितने चौड़े हैं कैसी उनकी बनावट है कैसे फुहारे हैं कहाँ चक्रीदार कुमारे फुहारे चलते हैं कहाँ चौरस चलते हैं ये सारे जो है वाणी में रखा है। सो सैया देखे अब सो परम धाम की आत्मा चित्तों से सारा कुछ देखेंगे। मान का माहौल पुखराज, मानक पहाड़ क्या है, यहां भी बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां भी पहाड़ों की क्या शोभा है, हैं पहाड़ लेकिन जमीन समतल है निसंदेह, यहां तो पहाड़ होता तो ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई ऊंचाई होती है ना, जरा भी देखो गाड़ी कहां नीचे चढ़ती है अपनी जहां जरा जरा पहाड़ी होती, लेकिन वहां नहीं, वहां पहाड़ अवश्य है। इस तरह के पहाड़ है कि जमीन बराबर समतल है, पुखराज है मानक पहाड़ पहाड़ है पर जमीन का लेवल बिल्कुल सेम है, ये नहीं कि पहाड़ है तो ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाए ना, वहां ऐसा नहीं है। मानक महल पुखराज और अलंग गिरद्वाए घेर करके बड़ी दान जहां आठों सागर और जमीन आते हैं। सो सब वाणी बीच में संयन को पहुंचाए, वो सारी वाणी मैंने लाके किसके हवाले कर दिए, संयों को दे दे लो भैया तुम जानो तुम्हारा काम। आठों सागर सुख के बीच टापू पहल मौलात, वो आठों सागर जो सुख के हैं, खुला वेद के आठ सागर क्या हैं, राजिम राय के आठ अंगों का वर्णन है जिसको सागर की तुलना देकर के कहा है। सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ हयात, वो सब चीजें लाके सुंदर साथ को मैंने दे दी है। हक हादी रूहे रहते, अपरम धाम में कौन रहता है, राजी श्यामा जी और सखियां रहती हैं। सो इन वाणी में कैसे रहती हैं, कहाँ उठती हैं, क्या लीला होती है वो सब मैंने समझी कि वाणी में रखा है, अगर वो सुख लेने हैं तो ए सत्यवाणी मत हो और लो। नित विहार करते हैं सो इन वाणी से के परम धाम में रूहे राजी के साथ और राजी रूहों के साथ क्या लीला करते हैं वो भी सब इस वाणी में रखा है। औलिया लीला कामिल, इन्हीं को कुरान के अंदर औलिया लीला कामिल और दोस्त कहे खुदा है, कुरान में इन्हीं शब्दों से मैंने तुम्हारी महिमा रखी है। सो इन वाणी बीच में हमेशा इब्तदाए, सो मूल से ही और आखिर तक जो कुछ है वो सब इस वाणी में ला के रखा है। और सिफत कहां लो कहूं पातशाही परवर दिगर के परम धाम के अंदर श्री राजीव राय की क्यों लिखा है, कौन आएगा, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वेलकम। अब उसके लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की क्या बात है, लॉर्ड तो बतेरे है, लॉर्ड वैल्यूम लॉर्ड फालियम और लॉर्ड कैलियम
यहाँ चलते रहते हैं। अब कौन सा लॉर्ड आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि कौन आ रहा है, खुदाओं का खुदा। खुदा भी जिसको बैठ करके ध्यान धरते हैं, जिसकी तपस्या करते हैं, खुदा इटले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा आदि सब बद्धो देवी देवता आए दिन तक जिसकी खोखी थी, वो अब साक्षात यहाँ आ रहे हैं। सो इन वाणी बीच में सब संया जानन हार। कोई दुनिया वाला भी हो तो स्वामी जी कहते हो भाई मेरे वारस जो है मैंने उनको खजाना दे दिया है, आप उनसे बैठ करके लेना। ओ ध्यान के साथ भाई, बस फिर उसके बाद समय भी हो गया, आखिरी चुपाई भी आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ, इन वाणी की बरकतें सब दफे हो तबलाए। समझी कहेंगे कहीं सुनेंगे यार आत्म का चक्कर ही डाल रखा है, यहां मुसीबत पड़ी पड़ी है, घर का काम ही हो। कहते हैं चिंता न करो, वाणी घर ले जाओ, पधरा लो और पढ़ लो, मथन कर लो, सब दफे हो तबलाए। सदा शैतान का पता मैंने पैठ न सके। सुबह ही उठते बोल दिया करना, बोलो श्री प्राणनाथ, तो शैतान बाहर खड़ा होगा, भागे कर भागो मरे। यहाँ तो प्राणनाथ बैठे है, अपनी काम चल नहीं है, यहाँ भाग जाओ, लंगोटी लगा के भाग जाएगा, तुम्हारे निकट घर परिवार परिवार में आ नहीं सकता। इस वाणी की कृपा, इतनी शक्ति इस वाणी में, इससे और बताओ लगना कुछ है नहीं, प्रॉफिट ही संसारिक प्रॉफिट है, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, सब फ्री। केवल बैठ के करना क्या है ये सत्यवाणी, बस सुंदर साहब जी इतना ही स्वीकार करना। इस बार का जो भी प्रोग्राम आप लोगों के प्यार से सहयोग से और राज्य मराय की भरपूर मेहर से खूब आनंद मेरा, फिर भी जिभ्या यहाँ की होती है ना, वर्णन जरूर अर्ज का है, कोई शब्द यदि कहने में इधर उधर हो गया हो तो एक छोटा सा साथी समय की क्षमा करना। बोलो श्री प्राणनाथ, सब सुनो, मिने पैठ न सके ताए, इन वाणी की बरकतें सब दफे हो तबलाए। सदा शैतान कांपत मिने पैठ न सके ताए, मिने